वीडियो में हम लोग प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या त्रिकोण निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा एक नंबर लाल है, दो नंबर सफेद है, तीन नंबर हरा नहीं है। तीन प्रश्न है इसमें, सूत्र वही लगेगा, तरीका भी उसी तरह होगा। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिख देंगे लाल कंचों की संख्या बराबर 5, फिर लिखेंगे सफेद कंचों की संख्या बराबर 8 तथा हरे कंचों की संख्या बराबर 4। उसके बाद लिखेंगे इसलिए कुल कंचों की संख्या बराबर 5 + 8 + 4, 17 हो जाएगा। उसके बाद 17 जो आया वह क्या हो गया, कुल संभव परिणाम। उसके बाद क्या लिखेंगे, निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता, निकाले गए कंचा को लाल होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 5 होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभव परिणामों की संख्या 17, 5/17 हो जाएगा। फिर दूसरा, निकाला गया कंचा सफेद होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो सफेद के लिए निकाल रहे हैं तो अनुकूल परिणाम 8 और कुल परिणामों की संख्या 17। फिर निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, तो हरा नहीं होने की संख्या कितनी है, 5 और 8। हरा नहीं, कंचे कौन कौन है, लाल भी और सफेद भी, दोनों हरा नहीं में आएंगे, 8, 5, 13। तो निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर 5 + 8/17 हो जाएगा, 13/17। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन है, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली तथा 8 मादा मछली है में से एक मछली या त्रिकोण उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो लिखेंगे नर मछलियों की संख्या बराबर 5 तथा मादा मछलियों की संख्या बराबर 8, इसलिए कुल मछलियों की संख्या बराबर 5 + 8 = 13। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो निकाली गई मछली के नर होने की प्रायिकता, निकाली गई मछली के नर होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या नर मछली के लिए निकाल रहे हैं प्रायिकता, तो नर मछली अनुकूल परिणाम 5 और कुल मछलियों की संख्या 8, 5, 13। तो 5/13 हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 5 और कुल संभव परिणाम 13। फिर एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या त्रिकोण निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो लिख लेंगे खराब पेनों की संख्या बराबर 12, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132, इसलिए कुल पेनों की संख्या बराबर 12 + 132, तो 144 हो जाएगा। तो कह रहा है कि निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अच्छा पूछ रहा है तो अच्छा की संख्या है 132, तो अनुकूल परिणाम हो गया 132 और कुल संभव परिणाम 144, तो 132/144 कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या एनसीईआरटी के प्रश्न है, वर्ग 10 का सिलेबस से है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के तथा 5 रुपए के 10 सिक्के हैं।
यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? एक नंबर है गिरा हुआ सिक्का, एक नंबर 50 पैसे का होगा और दो नंबर 5 रुपए का नहीं होगा। तो यहां आप पहले लिख दीजिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 100, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 50, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 20 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 10। 50 पैसा के सिक्के हैं 100, 1 रुपए के सिक्के हैं 50, 2 रुपए के सिक्के हैं 20 और 5 रुपए के सिक्के हैं 10। आप लिख दीजिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 100, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 50, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 20 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 10। इसलिए कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों को जोड़ दीजिए तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 तो हो जाएगा कितना 180। 180 जो आया वह कुल संभव परिणाम है। अब कह रहा है कि 50 पैसे का सिक्का को ऐसी संभावना बनाने वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा इसकी प्रायिकता बतानी है। क्या लिखेंगे? गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 50 पैसे का सिक्का है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 100 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या 180, 100 बटा 180 घटा देंगे आंसर आ जाएगा। फिर है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यहां ध्यान देना है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, होगा नहीं, नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 5 रुपए का नहीं होगा तो 5 रुपए के जितने सिक्के नहीं है वे सारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो 5 रुपए के सिक्का केवल 10 है, कितने नहीं है 170, इन तीनों को जोड़ देंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या बटा 170 बटा 180 आ जाएगा आंसर। दो खिलाड़ी मनोज तथा उत्तम एक टेनिस मैच खेलते हैं। यदि मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 हो तो उत्तम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? देख रहे हैं थोड़ा उससे भिन्न है। मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.62, उत्तम के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 घटा 0.62। अब पूरा घटना पड़े हैं तो एक में से इसको घटा देंगे, 1 घटा 0.62 बहुत छोटा है। उत्तम के और मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता 1 होगी, उत्तम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता दी गई है। तो अगर मनोज का पूछता 1 में से घटा देते उत्तम का, उत्तम का पूछ रहा है तो 1 में से मनोज का घटा देते, तो लिख देंगे कि मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.62, इसीलिए उत्तम के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 घटा 0.62 आ जाएगा। कितना 0.62 घटाना है 0.38, यही प्रायिकता बनेगी। छठा है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, 30 गेंद खेलती है 6 बार चौका मारती है, कितने बार चौका नहीं मारती है तो 30 घटा 6 24 बार चौका नहीं मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या है? तो आप बना सकते हैं चौका न मारे जाने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 30 घटा 6 बटा 30, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। या ऐसे बना सकते हैं कि चौका मारने की प्रायिकता, चौका मारने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम 6 हो जाएगा और कुल परिणाम 30 है, 6 बटा 30, 6 बटा 30 का मतलब क्या हुआ 6 बचे 30, 1 बटा 5। उसके बाद 1 में से घटा दीजिए, इसलिए चौका न मारे जाने की प्रायिकता बराबर 1 घटा 1 बटा 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 बटा 5 हो जाएगा। उस तरह भी बनाइएगा तो यही आंसर आएगा, इस तरह भी यही आएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस कर लीजिए, सब एक ही तरह के हैं। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।